हेलो स्टूडेंट माई सेल्फ चेतना गौड़ मे बी ऑल आ फाइन वेलकम टू ऑल इन माई हिंदी सेशन इन दिस सेशन आई विल टीच यू फर्स्ट चैप्टर ऑफ पल्लव पोयम मेरा देश नाउ लेटेस्ट स्टार्ट अवर लेसन सो लुक एट द स्क्रीन आप अपने सामने पल्लव के पार्ट मेरा देश कविता को देख रहे हैं यह है एक प्रसिद्ध लेखक सोहन लाल द्वारा लिखित है क्या आप जानते हैं सोहन लाल कहाँ के निवासी थे चलिए हम पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं श्री सोहन लाल उत्तर प्रदेश के ही निवासी थे उन्होंने बहुत सारी बालोपयोगी कविताएं लिखी जैसे दूध बतासा, बाल भारती बच्चों के बापू हसो हसाओ चाचा यहाँ इस कविता में द्विवेदी जी ने भारत के गरिमापूर्ण संस्कृति और भौगोलिक तथा सांस्कृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए यह कविता लिखी है जो हमारे पाठ्य पुस्तक पल्लव में हमें सामने दिख रही है चलिए सबसे पहले हम कविता का करते हैं। आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे और इसी प्रकार पढ़ने की कोशिश करेंगे ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं पल पल नई छटाए पग पग चहर रही हैं चलिए आपने अभी से देखा और सुना अब हम इसी कविता के या कहें इस फर्स्ट पैरा के कुछ कठिन शब्दों के बारे में पहले अर्थ पढ़ेंगे अब यहाँ आपका ब्लू बर्ड देखिए डार्क कलर के बर्ड हो रहे हैं पखारना अर्थात धोना पग पैर नित रोज सिंधु मीन सागर अब यहाँ देखिए और कोई भी वर्ड ऐसा यहाँ पे नहीं दिखाया गया जो कि आपको समझ ना आए या फिर आप उसका मीनिंग ना जानते हैं तो चलिए अब हम लाइन से इसकी हिंदी को समझेंगे अर्थात हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे प्रस्तुत खंड में कवि ने हमारे देश का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है वह भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी महानता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय की ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह आकाश को छू रहा हो हमारे देश के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर को देखकर ऐसा लगता है मानो वह भारत के पैरों के नीचे निरंतर झूमता रहता है हमारे देश में गंगा यमुना आदि सभी नदियों को पवित्र देवी देवताओं के समान पूजा जाता है और ये नदियाँ जो हमारे भारत के सभी मैदानी भागों में होती हुई बह रही हैं जिनसे निरंतर लहरें उठती रहती हैं वह नदियों का सौंदर्य देखने योग्य है भारत की इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत पुण्य भूमि कहलाता है भारत की भूमि में मिट्टी अत्यंत उबरा है यहाँ बहुत फसलें उगती हैं यहाँ की धरती सोना उगलने वाली है अर्थात जो अन्न उत्पन्न होता है गेहूँ चना बाजरा वो क्या है सोने के समान है तो ऐसी यह भूमि मेरी है भारत में मैंने जन्म लिया है इसलिए यह हमारी जन्मभूमि है और यह माता के समान हमारा पालन पोषण करती है इसलिए यह हमारी मातृभूमि है देखिए मैं सोचती हूँ आपको फर्स्ट पैरा की हिंदी समझ आई होगी चलिए अब न सेकंड पैरा का हम फिर से सस्वर वाचन करते हैं झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में अमराइया घनी है कोयल पुकारती है बहती मले पवन है तनपन सवारती है वह धर्म भूमि मेरी वह कर्म भूमि मेरी वह जन्म भूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी ओके इसी प्रकार आप भी देख देख कर बहुत बार पढ़ने का प्रयास करेंगे इसी से फिर ये याद हो जाएगी इस पोएम को आप अपनी फेयर नोटबुक में साफ साफ शब्दों में लिख कर रखेंगे ओके चलिए अब यहाँ हम इस पैरा को पढ़ते हैं अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम इस सेकंड पैरा के कठिन शब्दों को जानते हैं अब देखिए झरने पहाड़ियाँ चिड़िया झाड़ियाँ सभी चीज सारे के सारे वर्ड आपके ऐसे हैं जिन्हें आप जानते हैं देखिए थर्ड लाइन में फर्स्ट वर्ड है अमराइया वह थोड़ा कठिन है इसलिए मैं आपको पहले से समझाती हूँ अमराइया का अर्थ होता है आम के घने वन आपने देखा है आम के पेड़ों को देखा है उनकी लंबी कतारों को देखा है उस स्थान को हम अमराई कहते हैं बेहती मलय पवन है अब देखिए नीचे मलय मलय माने क्या होता है मलमिन चंदन क्या होता है अब यहां चंदन शब्द से इसका प्रयोग नहीं है क्या चंदन शब्द के लिए यहाँ प्रयोग किस लिए किया इस शब्द का पवित्रता के लिए शीतलता शब्द से ओके चलिए अभी हम इसके हिंदी अनुवाद करते हैं मैं इसका हिंदी बताती हूं एक एक शब्द का तब आपको ये पूरा का पूरा पैरा और ध्यान से समझ आएगा ठीक चलिए अब आप देखिए प्रस्तुत पदखंड में भारत भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए कवि कह रहा है कि भारतवर्ष की पहाड़ियों से अनेक झरने निकलते हैं यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाट सुनाई पड़ती है यहाँ जगह जगह आम के बाग हैं जिसमें बसंत ऋतु में जब आम पर बौर आ जाता है तो कोयल की कुक सुनाई पड़ती है मल्याचल पर्वत में आती हुई हवा शीतल मंद और सुगंधित लगती है आस पास बनों में जो तो चंदन के पेड़ लगे हुए हैं उनको छूती हुई जो पवित्र और शीतल हवा हमारे शरीर को स्पर्श करती है वह मन को सुगंधित और प्रसन्न कर देती है हम सभी के मन में प्रसन्नता भर देती है अर्थात भाव यह है कि दक्षिण भारत के पर्वतों से आने वाली वायु सभी को उल्लसित कर देती है प्रसन्न कर देती है भारत भूमि में धर्म का बोल वाला है अर्थात हमारा भारत देश बहुत सारे धर्मों को मानने वाला है यहाँ पर सभी धर्म के निवासी रहते हैं और जो अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने अपने धर्मों को मानते हैं इसलिए इस भूमि को धर्म भूमि भी कहा जाता है यह धरती कर्म भूमि भी है क्योंकि यह कर्म करने की प्रेरणा देती है यह हमारी जन्मभूमि और हमारी मातृभूमि आपको ये समझ आया अभी मैंने पूरे के पूरे सेकंड पैरा को आपके हिंदी बताई चलिए अब लास्ट और थर्ड पैरा पढ़ते हैं जन्मे जहां थे रघुपति जन्मी जहां थी सीता श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयस बढ़ाया जग को दया दिखाई जग को दिया दिखाया वह युद्ध भूमि मेरी वह बुद्ध भूमि मेरी वह जन्म भूमि मेरी वह मातृभूमि देखिए जिस प्रकार मैंने इसको पढ़ा है इसी प्रकार आप भी बार बार पढ़कर इस पोएम को याद करने का प्रयास करेंगे चलिए अब लास्ट और थर्ड पैरा के हम हिंदी अनुवाद करते हैं अब देखिए यहाँ हमारे भारत में जन्म लेने वाले जो महान व्यक्ति और महापुरुष रहे हैं और जिन्होंने हमारे संसार को हमें ही नहीं सारे संसार को दया और मानवता का संदेश दिया और हमारे भारत के यश को दिशा में फैला दिया उन सभी की प्रशंसा करते हुए सोहन लाल कहते हैं कि इसी धरा पर श्री राम ने जन्म लिया और इसी भूमि पर उन जनक नंदिनी सीता भी अवतीर्ण हुई अर्थात सीता भी पैदा हुई भाव यह है कि भारत भूमि अनेक महापुरुषों की जन्म भूमि है यही वह भूमि है जहां श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उन्हें युद्ध के लिए प्रवर्त किया था भारत की पवित्र भूमि पर गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ है जिन्होंने अपने देश का सुयस दूर दूर तक फैलाया गौतम बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया और सारे संसार को दया का मार्ग दिखाया ज्ञान का संदेश दिया और ज्ञान का दीपक जलाकर सभी को सही मार्ग पर पढ़ने का रास्ता दिखाया जो केवल भारत में ही नहीं सारे संसार में आज भी प्रकाशित है कभी कहते हैं कि भारत भूमि युद्ध भूमि के समान है यह महात्मा बुद्ध की भूमि है यह हमारी जन्म भूमि है और यही हमारी मातृभूमि भारत देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए उन्होंने उन सभी महापुरुषों के नाम भी यहाँ इस कविता में लिए हैं जिन्होंने हमें सत्य अहिंसा दया मानवता का पावन संदेश देते हुए और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए भारत देश के नाम को संसार भर में फैलाते हुए प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की हमें भी प्रेरणा देता है ओके okay? मैं मानती हूँ कि आप सभी को हिंदी की इस कविता को और इसके भावांश को अर्थात जो ये कविता आपको बताना चाहती है वह आपको प्रकट हो गया होगा चलिए इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट अवर ऑल एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर सो बी सेफ बी हेल्दी हैव अ नाइस डे